today is the first day of me on board and the first navigational watch as second officer. सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी है. दिस इज़ अ रेडार, एक डिश, इंजन देते हैं जो बेसिकली गाड़ी का गियर होता है, वही हमारा जहाज का गियर ये है, ये स्टीयरिंग है. यहाँ पे ही जो मेन जहाज का मेडिसिन जो है वही रहता है यहाँ पे. Hey guys, good morning. Welcome back once again to my YouTube channel. And today is the first day of me on board and the first navigational watch as second officer. Two stripes, proud moment and first. वैसे तो technically this is not the first watch. कल रात को first watch था, but रात में उतना vlogging अच्छा नहीं होता है, तो I thought कि सुबह से ही करते. So let's go to our first watch in the day as navigational second officer. बट उसके पहले अभी तो बज रहा है सुबह का 11 एंड मैं 10:30 बजे उठ गया था एंड रेडी हो गया एंड अभी जाऊंगा लंच करने एंड लंच करके सीधा ऊपर जाऊंगा ब्रिज पे. आई टेक ओवर फ्रॉम थर्ड ऑफिसर. बट उसके पहले रूम दिखा देता हूँ थोड़ा. सो ये है मेरा बेडरूम, एक बेड एंड अ साइड टेबल एंड यहाँ पे एक फ़ैन, क्योंकि रात को बहुत गर्मी लगती है सोते टाइम. एंड ये रूम के आउटसाइड का व्यू काफ़ी अच्छा है. व्यू यहीं से टाइम लैप्स बैठाऊंगा कभी कुछ एंड आप लोगों को दिखाऊंगा. चलिए फटाफट लंच कर लेते एंड देन वी विल मीट यू ऑन द ब्रिज. आई फिनिश माई लंच जस्ट नाउ एंड जा रहा हूँ ऊपर ब्रिज पे फॉर वॉच. सो द फर्स्ट थिंग विच आई डू व्हेन आई गो ऑन द ब्रिज इज फर्स्ट चेक द शिप्स पोजिशन, राइट डाउन अ फ्यू शिप्स डेटा एंड वॉट वी आर डूइंग, वेयर वी आर, वेयर द वेसल इज, वॉट इज द पोजिशन एंड ऑल, गेट माई सेल्फ फेमिलराइज and then take over the watch from third officer. And then I sit for making the daily reports. Every noon we need to send a few reports to charterers, owners, company, and it is my responsibility to do that. So right now abhi watch pe hu main and bridge pe abhi it's 1:30 now. Thoda sa main reports bana liya apna jo daily ka kaam hota hai, reports bana liya and GMDSS equipment ka daily test hota hai, weekly test hota hai, to wo sab kar liya maine. वीकली टेस्ट ड्यू था एंड जो मेरा काम जैसे आते ही यही होता है कि रिपोर्ट्स बनाना एंड GMDSS टेस्ट कर लेना इक्विपमेंट्स का. तो डिटेल में मैं बताऊँगा कि GMDSS इक्विपमेंट्स का क्या टेस्ट होता है, अभी नहीं, टुडे इज जस्ट द फर्स्ट डे. सो ये सब काम कर लिया एंड 1:30 बज रहा है एंड थोड़ा सा प्यास लग रहा है, पानी पीऊँगा एंड मैं आप लोगों को वेदर दिखा देता हूँ बाहर का. वेदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विंड स्ट्रॉन्ग है एंड वेदर तो गर्मी है बहुत, विंड एकदम आगे से है. टेम्परेचर राइट नाउ इज ऑलमोस्ट 29 degrees हियर, 29-30. एंड सो एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, ब्रिज पे एक एक्स्ट्रा एसी भी लगाया हुआ है तो ज़्यादा ठंडा रहता है ब्रिज. थोड़ा गर्मी में ये दिस इज़ रिक्वायर्ड, बट जब ठंडी पड़ेगी, जब ठंड की जगह पे जाएंगे तब क्या होगा पता नहीं. बट एनी वे, सो दिस इज मोर और लेस द ब्रिज. आई विल शो यू वंस अगेन द ब्रिज. सो ये सारे इक्विपमेंट्स ऑलरेडी है. दिस इज़ अ रेडार, एक डिश, अनदर रेडार एंड अनदर एक डिश ओवर देयर एंड बाकी सारे इक्विपमेंट्स. ये स्टीयरिंग है एंड ये इंजन मूवमेंट है. तो यहाँ से हम इंजन देते हैं जो बेसिकली गाड़ी का गियर होता है, वही हमारा जहाज़ का गियर ये है, ये स्टीयरिंग है. And this is the panel for the steering.
तो अभी हम कोर्स कर रहे हैं 102 ऑटो पायलट पे है, एंड कोर्स 102 है, जहाज चल रहा है। सो या दैट्स इट। सो थोड़ा सा काम और है, पेंडिंग है। पहले आया कुछ ज़्यादा ही देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो लेट्स सी, मैं थोड़ा सा और काम कर लेता हूँ। ख़त्म करके नीचे जा रहा हूँ। 4:15 बज रहा है एंड अभी मुझे थोड़ा हॉस्पिटल जाना है एंड चेक करना है इन्वेंट्रीज सारे, बिकॉज ब्राज़ीलियन फूड्स में थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है तो कीप दी मेडिसिन इन्वेंट्री अपडेटेड ऑलवेज। सो अभी मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, पहले चेंज कर लेता हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली दी हॉस्पिटल, शिप्स हॉस्पिटल। यहाँ पे 2 बेड्स हैं एंड दैट्स दी इक्विपमेंट इन्वेंट्री। एंड मैं अभी टाइम हो रहा है 4:30 एंड मैं अभी फटाफट कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक दिन में तो होगा नहीं, बट आई ट्राई कितना जितना हो सके। सो चलिए करते मेडिसिन चेस्ट। यहाँ पे ही जो मेन जहाज का मेडिसिन जो है वही रहता है यहाँ पे। सो दिस फुल चेस्ट इज़ फुल ऑफ दैट, एंड यहाँ पे उसका लिस्ट है जो मैं अभी अपडेट कर रहा था, अभी भी बाकी है, रिज्यूम टुमारो। एंड ये सारे ये फुल मेडिसिन, एंड यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स है जैसे कि जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर, यहाँ पे एक ये था मेडिसिन फॉर द शिप, रेगुलर जो शिप में रहना चाहिए। और यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन है जिसको बोलते हैं IMDG MFAG, इंटरनेशनल मेरीटाइम डेंजरस गुड्स मेडिकल फर्स्ट एड गाइड। तो ये अगर जहाज पे कोई डेंजरस गुड्स कैरी हो रहा है तो उसके लिए अलग सेट ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, वो इसमें है। एंड यहाँ पे एक वेट मशीन, एंड अंदर वॉशरूम है, शावर एक बाथ दिया जाता है हॉस्पिटल में, शावर नहीं देते फॉर द पेशेंट्स। एंड यहाँ पे वी हैव सम ऑक्सीजन स्पेयर बॉटल्स, वहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन है फॉर एक इन यूज, एंड वहाँ पे उसका स्पेयर्स रखा है 3 बॉटल। एंड वी हैव ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये हमारे कंपनी कोविड के बाद चालू किया है, मैंडेटरी किया है। वी हैव 1 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, मैं बाद में दिखाऊँगा आप लोग स्पेयर कुछ मेडिसिन इक्विपमेंट्स हैं। एंड ये अभी एक एक्सपायर्ड मेडिसिन मिला मुझे, ये मैं निकाल के रखा हूँ। एंड यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज है, कंट्रोल ड्रग्स कुछ है वो सारे इसमें रखना पड़ता है, जैसे इंजेक्शन एम्प्यूल्स। ये एक इंजेक्शन एम्प्यूल है ग्लूकागॉन, तो ये एंड बाकी सारे इंजेक्शन एम्प्यूल्स वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है। सो मैं जस्ट अभी नहा लिया एंड विल गो फॉर डिनर। 6 बजने को ही बजा है ऑलमोस्ट, एंड लेट मी गो फॉर डिनर फास्ट। सो ये है आज का डिनर, चिकन वेजिटेबल्स रोटी। ये मेरा प्लेट, तो बैठ के शांति से खाऊंगा।
सो मैं अभी जस्ट थोड़ा एडिटिंग ख़त्म किया, पूरा तो हुआ नहीं, बट मेरा आँख बिल्कुल जल रहा है। कल रात को भी उतना नहीं सोया था एंड कल रात तो ऐसे ही बहुत, मतलब कल पूरा दिन पूरा था, इतना स्ट्रेसफुल था, इतना मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं हुआ था। रात को थोड़ा सोया था लाइक 6 आवर्स, नॉट इवन 6 आवर्स, 5 एंड हाफ आवर्स, एंड अभी फिर से नींद आ रहा है थोड़ा। आई हैड टू स्टॉप एंड मेरा रूम अभी तक सेट नहीं कर पाया मैं, चीज़ें अभी भी बिखरा पड़ा है, देखते हैं धीरे धीरे करूँगा। रोलिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, एज यू कैन सी मैं गिर जा रहा हूँ, एंड मैं सुबह फिर आप लोगों को दिखाऊँगा कभी नेक्स्ट व्लॉग में कितना रोलिंग होता है इस जहाज पे। एंड अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ एंड फिर रात को जब फिर जाना है वॉच पे यूनिफॉर्म पहन के। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे गर्मी बहुत है, शिप इज़ मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड एंड AC काम नहीं करते यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई, क्या दिक्कत है, बट सही में फर्स्ट डे एक्सपीरियंस वॉज नॉट सो गुड। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, AC बिल्कुल बिल्कुल एकदम मतलब ज़रूरी है इन गर्म क्लाइमेट्स आज के डेट पे। ब्राज़ील इज़ हॉट एज इट इज़ एंड हम लोग लिटरली तड़प रहे हैं अंदर, एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कीप टी शर्ट्स ऑन, बट ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, नया जहाज, लेट्स सी कब तक AC ठीक होता है या होता भी नहीं कि नहीं। इसीलिए वी आर यूजिंग टेबल फैंस, सब रूम में प्रोवाइडेड है। तो जैसे मैंने देखा कि सारे रूम में प्रोवाइडेड है तो मैं समझ गया इधर तो बहुत दिन से ये चल रहा है। एनीवे सो थोड़ा सा सो लेता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ रात को। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, एंड अभी बज रहा है 11:55 इन द नाइट, टाइम फॉर मी टू गो टू वॉच। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जहाज पे जाने का, जस्ट सम गॉट अप, बहुत नींद आ रहा है, बट स्टिल हैव टू गेट यूज्ड टू दिस न्यू टाइमलाइन, सो लेट्स गो नाउ। सो अभी मैं जस्ट वॉच ख़त्म करके नीचे जा रहा हूँ एंड हालत बहुत ख़राब है क्योंकि आई वॉज सपोज टू कीप वॉच टिल 4 जैसे कि नॉर्मल होता है, बट ड्यू टू डी ब्लास्टिंग एंड ब्लास्ट एक्सचेंज है अगर सपरेशन के लिए चिगा सर हैड टू वेक अप टिल लेट, तो आई हैड टू एक्सटेंड माई वॉच टिल 6 o'clock। कोई बात नहीं, तो इस जहाज पे पहला सनराइज़ भी देख लिया एंड मॉर्निंग वॉच भी इस जहाज पे हो गया एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला। सो अभी थोड़ा सा टायर्ड हूँ, उतना भी नहीं, ठीक है, बट स्पीति से बात करना है घर पे, वो भी वेट कर रही है, सो वो कर लेता हूँ, देन टाइम फॉर माई रेस्ट अगेन 12 o'clock वॉच। सो ये था आज का मेरा फर्स्ट डे एंड फर्स्ट वॉच है सेकंड ऑफिसर। जैसा शुरू किया था वैसा हालत तो बिल्कुल अभी नहीं है, बट आई होप आप लोगों को आज का दिन अच्छा लगा एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।